हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अमिताभ चौहान है और मैं गुजरात से हूँ। केम छो? मारा बधा गुजराती फ्रेंड्स ने भी आ वीडियो खूब ज गमसे एवं हूँ आशा राखू छू। मैं आज प्राइमरीली एनसीईआरटी और बायोलॉजी की बात करने जा रहा हूँ। बायोलॉजी का वेटेज नीट एग्जामिनेशन में लगभग 50% होता है और जबकि एम्स में तीनों सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज रहता है। हम सभी जानते हैं कि बायोलॉजी में एनसीईआरटी ही सभी क्वेश्चंस का सोर्स है, मगर हम ये नहीं जानते कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। हमारे टीचर्स हमें हमेशा ये कहते हैं कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी में, मगर क्या हम सच्ची में जानते हैं कि एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ना है? क्या हम एनसीईआरटी को पूरी तरह से समझ पा रहे हैं? मेरा मानना है कि जब हम पहली बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं तब हम सिर्फ डेटा और फैक्ट्स को रिमेंबर कर लेते हैं, मगर एनसीईआरटी में काफ़ी डीप में और मीनिंग भी है, खासकर बायो में। जब एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर आप उठाते हैं तो पहले आपको उसका अंदर का मटेरियल पढ़ना है, पूरी थियोरी पढ़नी है, अंदर के जो सब टॉपिक्स हैं उनको ध्यान रखना है। सब टॉपिक्स किस ऑर्डर में दिए गए हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें समझाने का एनसीईआरटी का एक अपना अलग तरीका है। बाकी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लास्ट में जो समरी, हर चैप्टर के पीछे जो समरी दी रहती है, वो बच्चे स्किप कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो पहले ही थियोरी वाले पोर्शन में कवर अप हो गई है, लेकिन कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो कि समरी में हैं और पीछे थियोरी में नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर एम्स। आप वो भी कवर अप कीजिए और आप इवन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में को भी फोकस कीजिए, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि एनसीईआरटी थियोरी में नहीं है, आप उन्हें कवर अप कीजिए। एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूजुअली वो काफ़ी ईजी है, लेकिन कुछ कुछ जगह हैं वो यूनिक क्वेश्चंस है, वो कहीं पे और नहीं दिए गए, इसलिए उन पे भी आप फोकस करेंगे। एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th में लगभग 22 चैप्टर्स हैं और 12th में 16 चैप्टर्स हैं। ये टोटल 38 चैप्टर्स को 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। ये 10 यूनिट जब भी आप रिवाइज करें तो आपको हमेशा इन्हें यूनिट वाइज पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो यूनिट्स है काफ़ी सोच समझकर एनसीईआरटी ने इन्हें ब्रेकअप किया है। मेरे ख्याल से जब भी आप कोई चैप्टर कर रहे हैं तो रिवाइज करते वक्त आपको एक यूनिट पूरे एट वन गो आपको पूरा वो रिवाइज कर लेना चाहिए। जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़े तो आप हमेशा उसके जो डायग्राम्स हैं, जो भी टेबल्स हैं, उन्हें मेमोराइज कीजिए, उन्हें याद कीजिए। हालांकि पिछले कुछ साल से उनसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे, मगर उनके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बिल्कुल आ रहे हैं। आप हर चैप्टर के डायग्राम्स को ज़रूर याद रखेंगे, इवन आप उनकी लेबलिंग्स और उनके नीचे जो उनके बारे में थोड़ी छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे भी याद रखेंगे। जो टेबल्स हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके डेटा डेफिनेटली एम्स में तो पूछे ही जाते हैं। फिर जैसे कि ट्वेल्थ की एनसीईआरटी में काफ़ी सारा डेटा दिया गया है, स्पेशली इकोलॉजी वाले चैप्टर्स में, उन्हें आप डेफिनेटली याद करने की कोशिश रखेंगे। उनका इवन आपको एक ऑर्डर बनाना रहेगा कि क्या सबसे ज़्यादा है और क्या सबसे कम है। बाकी बीच का उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सबसे कम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। मेरा जो तरीका था एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ने का वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जब भी मैं कोई भी चैप्टर उठाता था तो मैं उसमें हमेशा इंपॉर्टेंट लाइन्स को अंडरलाइन कर लेता था और जो भी डेटा है, ईयर्स हैं, कोई भी न्यूमेरिकल डेटा है, उन्हें मैं रेड पेन से सर्कल कर लेता था। इससे क्या होता है कि वो तुरंत आपकी आंखों पे चिपक जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेशली क्लास 12th की एनसीईआरटी में, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा न्यूमेरिकल डेटा दिया गया है इकोलॉजी वाले सेक्शन में। ये इंपॉर्टेंट एम्स में हो जाता है, क्योंकि एम्स हमेशा ऑर्डर्स बना के पूछता है, जो कि एनसीईआरटी में एज इट इज़ दिए नहीं गए होंगे, मगर ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं इन्हें, ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, यही एनसीईआरटी बायोलॉजी की खूबसूरत है। इसलिए ही आपको लगेगा कभी कभी कि एनसीईआरटी बायोलॉजी में से ये बाहर से था, मगर वैसा कुछ नहीं है, एनसीईआरटी बायोलॉजी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको हमेशा जो भी डायग्राम्स हैं उन पे भी फोकस करना है, क्योंकि डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी बायोलॉजी में एक और ख़ास बात है कि उसके जो नए नए एडिशन्स आते हैं उसमें काफ़ी डेटा चेंज होता रहता है, तो आपको हमेशा लेटेस्ट एडिशन खरीदना है और ताकि आपको जो भी डेटा है वो आपके पास सही वाला, नया वाला डेटा हो, क्योंकि एनसीईआरटी के साथ आप कभी भी आर्ग्यू नहीं कर सकते। और एक और बात है कि एनसीईआरटी के पीछे जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है, हर चैप्टर का इंडिविजुअली सप्लीमेंट्री मटेरियल दिया गया है और वो उस चैप्टर में कहाँ है वो भी बताया गया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चे उसे निग्लेक्ट कर देते हैं, उस पर भी आपको खास फोकस रखना है। आज मैं आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी को रिवाइज करने की के लिए एक बुक बताने जा रहा हूँ। इसका नाम है ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी बायोलॉजी गियर अप। ये डॉक्टर अजय मोहन ने लिखी है और मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये एक काफ़ी कंप्लीट, क्रिस्प और क्लियर बुक है। इसमें न केवल एनसीईआरटी क्लास 11th है बल्कि बायो भी है,
ट्वेल्थ भी है, आपको हमेशा जब कोई भी चैप्टर करे तो उसके क्वेश्चंस के लिए ये बुक आप रेफर ज़रूर कर सकते हैं। इसमें न केवल क्वेश्चंस है बल्कि क्लियर थियोरी भी है। आप थियोरी को पढ़िए और फिर क्वेश्चंस पे जाइए। इसमें क्वेश्चंस जो की है उसको सेपरेट किया गया है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस के पेज नंबर भी दिए गए हैं, तो आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको पता रहेगा कि इस सवाल जो मुझे नहीं आ रहा है उसका जवाब कहाँ पे है, आप वो क्वेश्चंस कीजिए। उसके बाद आते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, वो थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चंस रहते हैं और एम्स के लिए रहते हैं। नीट में ऐसे 2-3 क्वेश्चंस ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। इसमें असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस है जो कि एम्स में पूछे जाते हैं। असर्शन रीजन बायोलॉजी में यूजुअली ईजी आते हैं मगर प्रैक्टिस बिना आप उन्हें नहीं कर पाएंगे। इसमें और भी होता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनका भी एक अलग से है लिस्ट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको ये बहुत ही मदद करे ऐसी मैं आशा रखता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।